नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीजोन एलर्ट में। आज हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि क्वेश्चन रहेगा आपका निम्नलिखित चित्र में आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना होगा। सम्मुख दृश्य यानी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, पार्श्व दृश्य यानी कि टॉप व्यू, प्लान, आपको तीन चीजें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना होगा, जो कि आपको 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सम्मुख दृश्य, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, तीन चीजें लेकर हम बनाएंगे। तो पहले सर्वप्रथम आपको जो है इस पे एक्स वाई और एक्स वाई, वाई वन और एक्स वन और वाई वन और इधर एक्स और वाई में आपको लेना है। चलिए हम शुरू करते हैं, इसको आपको दिखाते हैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना करके कैसे आपको ये बनाना है डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए ध्यान से कि एक्स की तरफ से, इधर एक्स की तरफ से आपको फ्रंट व्यू बनाना है, एक्स की तरफ से क्या बनाना है आपको फ्रंट व्यू बनाना है, और वाई की तरफ से आपको साइड व्यू बनाना है यानी लेफ्ट साइड व्यू बनाना है। लेफ्ट साइड व्यू बनाएंगे और ऊपर से हम टॉप व्यू बनाएंगे, यहाँ से टॉप व्यू को हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम ऐसे करके आप बनाना है एक्स वाई और एक्स वन वाई वन, ये एक रेफरेंस लाइन होती है जो कि एक गाइड करती है कि आपको किधर से क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, अगर ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है तो कहाँ क्या जाएगा ये तो मालूम होगा, ए एच पी है और ये आपका वी पी है और ये एक्स वाई लाइन है। तो यहाँ पे आपको बनेगा फ्रंट व्यू, क्योंकि वीपी पे बनेगा फ्रंट व्यू और यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू, तो टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा और साइड व्यू इधर को बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बनाकर दिखाते हैं। तो ये हम इसको यहां से देखिए ध्यान से, आपको इधर से आपको फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू इधर बनाएंगे तो देखिए ये वाला कॉर्नर आपको और ये वाला कॉर्नर लेफ्ट साइड में, ये वाला कॉर्नर राइट साइड में, ये वाला कॉर्नर राइट साइड में और ये वाला कॉर्नर लेफ्ट साइड में आपको लेना है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे कितने की, 80 की डिस्टेंस लेंगे। तो इससे पहले कि जो फ्रंट व्यू में दिखेगा उसे हम क्या कर दें, सेक्शनिंग कर दें, सेक्शनिंग कर दें, ताकि हम आपको कितना क्या दिखेगा वो पता चल जाए। तो फ्रंट से जब देखेंगे तो आपको ये हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। तो ये हम सेक्शनिंग कर दे रहे हैं जो आपको दिखेगा सामने से, ये दिखेगा, उसके बाद ये हिस्सा भी आपको फ्रंट से दिखेगा, ठीक है, ये भी हिस्सा आपको फ्रंट से दिखेगा और ये हिस्सा भी आपको फ्रंट से दिखेगा, ठीक है। तो ये फ्रंट से जो दिखेगा वो हमने सेक्शनिंग करना शुरू कर दिया। तो ये इतना आपको इधर से दिखेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये भी हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये भी हिस्सा क्या है आपको ये भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी हिस्सा आपको ऊपर से टॉप से दिखाई देगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा यहां तक, उसके बाद ये हिस्सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको दिखाई देंगी। तो चलिए इसको हम ड्रा करते हैं इस फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू यहां रहेगा तो टॉप व्यू यहां रहेगा और साइड व्यू इधर चला आएगा, क्योंकि साइड व्यू क्या होता है जब खुलेगा तो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड थर्ड व्यू में बनेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले 80 राइट कॉर्नर को हम यहाँ लेते हैं और लेफ्ट कॉर्नर को यहाँ लेते हैं। तो 80 एमएम की लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है पहले। तो ये हमने 80 एमएम की लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमने 80 एमएम की लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कौन सी लाइन है, ये वाला कॉर्नर से ऐसे करके देखेंगे तो ये टोटल यहाँ तक एक लाइन हो जाएगी। तो राइट कॉर्नर यहाँ पे आएगा और लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे आ गया, ठीक। तो ये लेफ्ट वाला कॉर्नर यहाँ पे और राइट वाला कॉर्नर यहाँ पे। अब कॉर्नर से देखो 12 एमएम उठा हुआ है, कितना 12 एमएम, इधर भी क्या है 12 एमएम, तो यहाँ से हम ले लेंगे 12 एमएम। तो हमने ये 12 एमएम ले लिया, ठीक है, तो 12 एमएम इधर भी ले लिया और 12 एमएम इधर भी ले लिया। तो ये दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, 12 एमएम इधर 12 एमएम इधर उठा दिए। तो ध्यान देखिए यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है, तो ये दोनों क्या है 20 एमएम के डिस्टेंस पे आपको बीच में दो लाइनें मिलेंगी। तो एक लाइन आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी और दूसरी लाइन यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी।
तो ये वाली लाइन आपको दोनों प्राप्त हो गई। जब इधर से देखेंगे तो एक लाइन ये और इधर से ये लाइन आपको दोनों मिल जाएंगे, तो ये 20 का गैप आपको बीच में दिखेगा, टोटल क्या रहेगा 12 का। तो ये टोटल 12 को हम यहाँ से यहाँ तक मीटअप कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, ऐसे हमने मिला दिया, राइट। तो ये आपका पूरा कंप्लीट मिल गया, ये हिस्सा आपको बन गया, यानी जितना हमने ये सेक्शनिंग किया था ये आपको सेक्शनिंग वाला मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हिस्सा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप दिखाएंगे कितना हो जाएगा 80 का, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 80, ठीक। तो ये तो हमने दिखा दिया कि इतनी डिस्टेंस पे है। अब आगे देखिए, यहीं से 12 mm है और 30 mm ये ऊपर उठा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर कहाँ जाएगा, 30 mm ऊपर जाएगा। तो ये 30 mm हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो ये 30 mm मान लिया जाए यहाँ तक आएगा, तो ये 30 mm हमने यहाँ ले लिया, ठीक। 30 mm यहाँ हमने ले लिया, तो ये 30 mm यहाँ तक हो गया। उसके बाद इधर देखिए ध्यान से, यहाँ तक आया है 25 mm, कितना है 25 mm यहाँ पे आया है, तो ये कितना हो जाएगा 30 mm, तो ये भी 30 mm, बीच वाला कितना हो जाएगा 20 mm, 30 × 60 और 20 × 80, तो ये 20 वाला है तो ये 20 रहेगा, और ये कितना का है 30 का है, तो ये 25 यहाँ तक आएगा, मतलब कि यहाँ तक 25 आपका आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये वाला हिस्सा कहाँ तक आएगा, 25 तक। तो इस वाले से एक लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे टिक लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 20 mm तक इधर आ जाएगा, कितने आएगा 25 mm तक। ये वाला हिस्सा हमने ये बना दिया 25 mm, इधर देखो राइट कॉर्नर से 12 गए फिर 30 mm तक गए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने मिला दिया। उसके बाद 20 mm अंदर आ गए, 20 mm 25 mm 25 mm कितना आएगा अंदर आ जाएंगे, ये 25 है तो 25 क्या करेंगे अंदर आ जाएंगे, तो 25 हमने यहाँ आ गए, ठीक है, ये 25 हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी आना है हमको, तो 25 mm इधर है, 25 mm इधर से, यानी कि 25 mm इस कॉर्नर से इधर लेना है। तो देखिए 25 mm यहाँ तक है, तो 25 mm यहाँ तक ये होगा, 25 mm कहाँ होगा ये, तो ये 25 mm ने इधर से टिक लगा दिया और ये 25 mm हम यहाँ से यहाँ तक मिला दे रहे हैं, तो ये 25 mm हम यहाँ से यहाँ तक मिला दे रहे हैं। तो ये तिरछा जब मिलाएंगे, तो जब ये तिरछा मिलाएंगे ऐसे करके ये, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया। अब इसको हम क्या करे हैं, ये देखने में तो दिखेगा नहीं, तो ये क्या होगा, इसी लाइन में एक हो जाएगा। तो ये 30 mm उठा है, ये 30 mm उठ गया, 25 mm अंदर आ गए, 25 mm अंदर आ गए और इसको हमने मिला दिया। तो ये आपको फ्रंट व्यू में जो दिखता था, देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया और ये वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया और ऊपर गए हम 30 mm और ये ऊपर गए 30 mm, यहीं से 30 mm गए, तो 30 mm ये हुआ और 25 mm अंदर आए, तो 25 mm ये है, 25 यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ हमने मिला दिया, 25 mm अंदर आ गए, 25 mm यहाँ अंदर आ गए और ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये आपका फ्रंट व्यू तैयार होगा, ये क्या है आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये है आपका फ्रंट व्यू। तो डिस्टेंस आप दिखा लीजिएगा, इसी प्रकार से आप एकदम सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू हो गया। तो अब इसकी हम प्रोजेक्ट करेंगे लाइन, जब टॉप व्यू बनाएंगे, जब इसको टॉप व्यू अब देंगे इस ऊपर, तो प्रोजेक्ट करते हैं तो यह टॉप व्यू क्या करता है, जस्ट ऊपर जाकर के इसी से प्रोजेक्ट होकर के उतना ही जाकर बनता है। इसका मतलब ये है कि जितना प्रोजेक्ट होगी लाइन, वही प्रोजेक्ट लाइन जो होती है वो हमें ऊपर मिलती है। तो सारे प्रोजेक्ट कर देते हैं लाइन ऊपर, तो ऊपर ऐसे आप लोग भी कर लेंगे प्रोजेक्ट, तो सभी लाइन को हम क्या कर लेंगे, ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो जहां से मिलेगी वो हम खींच लेंगे। तो इतनी हमने लाइन, सारी लाइनों को क्या कर दिया, ऊपर हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये था फ्रंट व्यू, ये था आपका फ्रंट व्यू। तो अब टॉप व्यू देखिए, अब हम बनाएंगे यहाँ पे टॉप व्यू। तो कैसे टॉप व्यू को हम बनाएंगे ये देखिए ध्यान से। तो जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो इसमें करेंगे क्या, हम देखिए टॉप व्यू कैसे होगा। यहाँ पे जब टॉप व्यू लेंगे हम, तो टॉप व्यू ये है, ऊपर से जब देखेंगे तो ये टॉप व्यू होगा आपका। तो ये टॉप व्यू में जो दिखेगा उसे हम आपको पहले टिक लगा देते हैं कि कौन कौन सा टॉप व्यू में दिखेगा। तो ये दिखेगा टॉप व्यू में, ये दिखेगा टॉप व्यू में, ठीक है, ये टॉप व्यू में आपको दिखेगा पूरा का पूरा।
और ये भी तिरछा वाला हिस्सा भी आपको टॉप व्यू में दिखेगा, राइट। ये हमने टॉप व्यू में खींच दिया, ठीक। ये हमने टॉप व्यू में, ये हमें टॉप व्यू से दिखेगा, ये भी क्या करेगा टॉप व्यू से दिखेगा हमें पूरा। तो ये हमने टिक लगा दिया कि ये टॉप व्यू से हमें दिखाई देगा, राइट। तो ये हमने टॉप व्यू में दे दिया है, ये टॉप व्यू में हमें दिखेगा। तो इतना हिस्सा जो है टॉप व्यू में दिखेगा। तो जितना हमने अभी डैश डॉट डॉट किया है ये आपको टॉप व्यू में दिखेगा। तो टॉप व्यू कैसे जाएगा वो हम समझते हैं। ऐसे रखा हुआ देख रहे हैं, इधर से लंबाई ये है आपकी 60 की, कितने की है ये 60 की है, दिया है। तो इधर भी कितना होगा 60 का होगा। तो टॉप व्यू आएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, टॉप व्यू ऐसे आकर के ऐसे रखा जाएगा, कैसे ऐसे। तो ऐसे करके क्या होगा ऐसे, ठीक है। तो जितना बेस रहेगा आपका फ्रंट व्यू का, ये फ्रंट व्यू का बेस जितना है उतना बेस टॉप व्यू का भी रहेगा। जितना डिस्टेंस ये यहां से यहां तक है राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर, वही लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ के खींचते हैं इसे। तो जब ध्यान दीजिएगा, यहां से ये कॉर्नर राइट साइड में आएगा और ये कॉर्नर लेफ्ट साइड में आएगा। तो हम पहले यहाँ पर टिक लगा लेते हैं। तो हमने ये टिक लगाया यहाँ पे, ये कॉर्नर पे हमने टिक लगाया, दूसरा ये कॉर्नर पे हमने टिक लगाया। तो ये हमने कॉर्नर पे टिक लगाया, तो ये कॉर्नर आपका राइट साइड में यहाँ कॉर्नर आएगा और लेफ्ट साइड का कॉर्नर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा अंदर गया है 12 mm, अंदर देखिए 12 mm अंदर गया है। तो इस अंदर वाली कितनी 30 पे है, ये कितने पे है 30 पे है, क्योंकि ये देखिए 30 और 30 दुना 60, तो बीच का कितना होगा 20। तो 30 mm अंदर और 30 mm अंदर की ये हमने लाइन खींच, 30 की है, 30 की है, 20 की ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको यहां तक लाइन को टच करना होगा, कहां तक 30 तक लाके टच करना होगा। तो हमने 30 तक ला करके ये टच कर दिया, ठीक, दोनों तरफ से ये हमने 30 तक लाइन यहाँ टच कर दिया और दूसरी इधर तक हमने टच कर दिया। तो ये हमने 30 वाली लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब यहीं से देखो 12 mm ये अंदर गया है, तो ये ऊपर से देखने पर ऊपर जाएगा, किधर जाएगा ऊपर से देखने पे ऊपर जाएगा। तो ये हमने 12 mm की लाइन ऊपर खींच दिया यहाँ पे, राइट। और इधर भी हमने क्या कर दिया 12 mm की लाइन ऊपर भी खींच दिया यहाँ पे। तो ये हमको मिल गया, ये ऊपर से जब देखेंगे तो यहाँ ये राइट कॉर्नर, ये राइट कॉर्नर, और यहाँ अंदर गया 12, अंदर गए बाहर, यहाँ ऊपर गए बाहर, तो ये ऊपर जाएगा, यानी ऊपर जाएगा क्या होगा, अंदर वाला हिस्सा क्या होगा ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार से ये लेफ्ट साइड कॉर्नर है, तो इससे जस्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 60, तो यहाँ देखो ये 60 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऐसे करके 60 कहाँ आएगा, ऐसे आएगा तो 60 कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो हम ये 60 mm की डिस्टेंस पे ऊपर इसको हम खींच देते हैं। तो ये है आपका 60 mm, ठीक है, ये है आपका 60 mm, ठीक। तो ये वाला हिस्सा हमने बना लिया है लेफ्ट साइड का कॉर्नर से ऊपर, इधर वाला लेफ्ट साइड कॉर्नर, ये कॉर्नर आ गया। अब इस कॉर्नर से आपको सीधा उधर कॉर्नर खींचना है, कितना जाएगा 60 mm ही ऊपर जाएगा, सीधा 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 ये ऊपर 60 mm जाएगा। तो इसके जस्ट सीधे में आपको 60 mm इधर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये 60 mm की लाइन खींच दिया, तो ये 60 mm की लाइन ये भी हो गई, 60 mm की लाइन ये भी हो गई, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इधर भी क्या होगा वही सेम टू सेम मिल जाएगा। तो ये आपको ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्नर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 mm का ये मिल जाएगा, ठीक है। ये ऊपर साइड से ये वाला आपका कॉर्नर यहाँ पे आएगा और ये वाला कॉर्नर आपका ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये ध्यान रखिए कि इसी कॉर्नर पे, कॉर्नर से नीचे आपको कितना आना है 30 mm, देख रहे हैं नीचे 30 mm कितना आना है, 30 mm नीचे आना है। तो ये 60 का पूरा है, तो हमें हाफ दूरी तक 30 आना है, कितना दूर 30। तो यहाँ पर 30 का हमने टिक लगाया, ये हमने 30 का टिक लगाया इस साइड में, इस साइड में क्या करेंगे यहां से यहां तक 30 का हमने, इस वाले कॉर्नर से यहां तक 30 तक आ गए। उसके बाद इधर को 25 आना है, 25 आना है, तो 25 वाली लाइन कहाँ, ये है आपकी, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इसे क्या करेंगे, इसे प्रोजेक्ट करेंगे, यही 25 की आपकी प्रोजेक्ट किए थे, तो इसे हम क्या करेंगे और ऊपर बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, ला करके हम मिला देंगे, कौन सी आपकी ये वाली लाइन को यहाँ मिला देंगे, तो इसमें हम ला करके ये मिला दिए, ठीक।
तो ये वाला हमने बना लिया, यहां तक यही बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो अंदर जाकर मिला हुआ, तो यही जाकर के क्या हो जाएगा, सीधा अंदर जाकर के मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, राइट, ऐसे करके मिल जाएगा। अब ध्यान रखिए यहां से इसको प्रोजेक्ट करना होगा हमको, जब ऊपर से देखेंगे तो ये भी तो क्या है, मिला रहेगा आपका, कि क्या रहेगा, ये भी 12 वाला क्या हिस्सा रहेगा, मिला हुआ रहेगा, यहां तक ये मिला हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, ये वाली हिस्सा हमको ऊपर ले जाना है, क्योंकि क्योंकि ये जो तिरछा आकर के यहां तक आया है, यानी 25 एमएम नीचे आना है हमको, ये 30 है तो 25 थोड़ा से ऊपर रहेगा, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक हमको मिलना, तो ये 25 एमएम यहां है, तो ये 30 का पूरा डायरेक्ट यहाँ 25 तक आएगा, तो 25 वाली लाइन ये क्या है ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे ये वाली प्रोजेक्ट हो जाकर के ऊपर चली जाएगी, यहां से आकर के यही लाइन आपकी प्रोजेक्ट होकर ऊपर जाएगी, ठीक है। जब ऊपर जाएगी तो ये कहाँ जाके मिलेगी, ध्यान दीजिए, ये पूरा आकर के यहाँ तक डायरेक्ट ये जाकर के मिल जाएगी इसी में, तो कहाँ तक जाएगी हमारी, इस लाइन को हमें डायरेक्ट 30 तक ले जाना है यहाँ तक, यानी कि ये यहां से यहां तक क्या है 25 एमएम है, यही दूरी हमने ये दी है, ये दी डिस्टेंस, तो यही दूरी आपकी क्या है, ये है, यहां तक आ गई, तो हमने इसको मिला दिया। अब इसको अंदर मिला देंगे, यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक हमें इसको मिला देंगे, तो चलिए हम इसको मिला देते हैं, तो ये दूरी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया, तो देख सकते हैं कि ये आपका कंप्लीट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, आप इसको दिखा दीजिएगा बढ़िया से, तो ये हो गया आपका 60 का, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 60 एमएम की हो जाएगी, राइट, ये हो जाएगी आपकी 60 एमएम की, ये हमने दिखा दिया इसको, तो ये 60 की रहेगी, तो ये भी क्या है 60 की रहेगी, इसको आप दिखा लीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 60 की पूरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका टॉप व्यू, ये था आपका टॉप व्यू, तो देखिए टॉप व्यू कैसे बनाना है, जैसे ऐसे रखा हुआ है, ये है आपका राइट कॉर्नर और ये राइट ऊपर कॉर्नर, राइट का ऊपर कॉर्नर, राइट का लेफ्ट कॉर्नर नीचे कॉर्नर, राइट का नीचे कॉर्नर और राइट का ऊपर कॉर्नर। अब इधर आ जाइए, राइट का लेफ्ट का नीचे कॉर्नर और लेफ्ट का ऊपर कॉर्नर, तो इसको उठा करके हमने ये रख दिया, देख रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ गया, ये आ गया। उसके बाद ये एक लाइन हो गया, आगे तिरछा में जाएगा तो यहाँ पे कुछ छोटा बनेगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। उसके बाद ये हिस्सा जो है अंदर गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा 12 एमएम, इधर भी 12 एमएम अंदर आएगा, तो 12 एमएम ये भी अंदर आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे ये वाला बढ़ के आ गया, इस कारण पे हम आ गए, इस कारण से क्या होगा 60 एमएम ऊपर जाए, क्योंकि ये 60 से ऊपर गया है, देखिए ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा ऐसे आकर के बैठ जाएगा, तो ये वाला 60 है तो ये भी 60 होगा। ये 80 है, ये 80 यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा, तो ये 80 यहाँ तक है और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये 12 एमएम, ये 12 एमएम, ये 12 एमएम, 20 एमएम, ये 12, ये 12, ये 20 और ये आपकी 25 है, ये 25 है तो ये 25 यहाँ आएगा, इधर से 25 जाएगा, तो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये तिरछा वाला हिस्सा, ये जो तिरछा है 30 का, ये तिरछा आपका यहाँ तक आएगा 30 तक, क्योंकि यही प्रोजेक्ट होकर के वहां पर जाएगा। तो ये फाइनली आपका फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू बन गया है। आप डिस्टेंस और भी दिखा लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो दिखा लीजिएगा। मैं आगे बनाता हूँ इसका साइड व्यू। अब देखिए हमने फ्रंट व्यू बना लिया ये, और टॉप व्यू ये हमने बना दिया। अब इसका बनाना है लेफ्ट साइड व्यू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का लेफ्ट साइड व्यू। तो लेफ्ट साइड व्यू हम यहाँ पर बनाएंगे, लेफ्ट साइड व्यू कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए हम लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू की सारी लाइन को प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहां से आपको प्रोजेक्ट करना है सभी लाइन को, यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। जब इसको आप प्रोजेक्ट करेंगे यहां से, तो हमने ये प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे, यहां से ये वाली प्रोजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे हिस्से से ये भी प्रोजेक्ट हो जाएगी, तो हमने ये भी प्रोजेक्ट कर दिया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बेस का डिस्टेंस मिलेगा और टोटल हाइट का डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा आपको लेफ्ट साइड व्यू में दिखेगा, ये है आपका लेफ्ट साइड व्यू में, ऐसे करके जो मैं कर दे रहा हूँ,
यही आपको दिखेगा। इधर से जब देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, यही आपको दिखेगा। लेकिन डिस्टेंस ध्यान रखिए कि 60 की इसकी बेस बनेगी, क्या रहेगा 60 का इसका बेस बनेगा। और हाइट इसकी देखिए ध्यान से, हाइट इधर से जितनी है, हाइट जितनी यहाँ पे है वही हाइट आपको यहाँ मिलेगी। तो ये देखो 12 एमएम का है, ऊपर कितना है 30 एमएम का है, तो वही आपको डिस्टेंस इधर जाकर मिलेगी। ये वाला कॉर्नर आपका इधर आ जाएगा और इस वाले कॉर्नर को नीचे वाला जो राइट साइड कॉर्नर है वो इधर आपका आ जाएगा। कैसे, ऐसे करके, ये जब देखेंगे ऐसे करके ऐसे आकर रखा जाएगा तो वो अंदर साइड में चला जाएगा। तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर एक हो जाएगा और ये वाला कॉर्नर और उधर का कॉर्नर एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको सीधा यहाँ पर आकर के मिलेगी। तो चलिए हम 60 एमएम का यहाँ डिस्टेंस पे खींच देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन लिया और ये हो गया 60 एमएम का आपका बेस, ठीक। तो ये 60 एमएम का बेस आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो 60 एमएम का ये वाला कॉर्नर कौन सा है, ये वाला आपका राइट साइड कॉर्नर यहाँ पे आएगा और ये वाला लेफ्ट साइड कॉर्नर इधर आएगा, ठीक। अब यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको ये हाइट आपको मिलेगी, ये वाली हाइट। तो इसको क्या करेंगे, आगे आप बढ़ाएंगे इस प्रोजेक्ट लाइन को, क्या करेंगे इस प्रोजेक्टर लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा लीजिए, यही प्रोजेक्ट लाइन आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम आगे आएंगे और इसे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम 12 और 30 ये वाली लाइन हमने खींच दिया यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर ऊपर आपको यहाँ तक रहेगी। तो ये कितना है 30 है और ये कितना है 12, 12 और 30 42 एमएम का ये पूरा डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। यानी कितना हो जाएगी, यहाँ से ये है आपका लेफ्ट साइड कॉर्नर का, ये वाला लेफ्ट साइड कॉर्नर और ये वाला है आपका राइट साइड कॉर्नर। और इधर देखिए कितना है 12 एमएम, तो इधर कितना उठाएंगे आप 12 एमएम, केवल कितना उठेगा 12 एमएम, ठीक है। तो ये 12 एमएम आपको उठ जाएगी, ठीक। जब 12 एमएम इतना उठ जाएगी, ध्यान रखिए ये वाला हिस्सा तो आपको खत्म हो गया, लेकिन अंदर देख रहे हैं 12 एमएम के अंदर ये डॉटेड रहेगा, क्या रहेगा अंदर ये दिखेगी नहीं। जब नहीं दिखती तो हम क्या करते हैं, उसे डॉट डॉट लाइन से यूज करते हैं। तो अब देखिए इधर से जब देखेंगे तो ये पूरा बॉक्स आपको नजर आएगा, ये पूरा बॉक्स क्या आयतकार में रहेगा। तो ये वाला डायरेक्ट आप क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ से, क्या करेंगे ये हिस्सा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये क्या होगा, बॉक्स के नुमा में आपको ऊपर से इधर साइड से क्या होगा, पूरा बॉक्स दिखेगा, ठीक है। तो ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक। तो ये हमने बॉक्स क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो ये बॉक्स जो हमने गोला किया है, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर यहाँ पे दे दिए और लेफ्ट साइड कॉर्नर यहाँ पे दे दिए, 12 एमएम ऊपर 12 एमएम ऊपर, इधर 12 एमएम ऊपर और इधर भी 12 एमएम ऊपर, दोनों तरफ से हमने दे दिया। उसके बाद देखो इधर ध्यान से, यहाँ 12 एमएम अंदर आना है, तो 12 एमएम हमको अंदर आना है किधर से, इधर से। जब 12 एमएम अंदर आएंगे तो यहाँ पे, जब 12 एमएम अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डॉटेड रहेगा, ऐसे करके आप डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं। तो ये इधर से जब इसको एक्टेड रखेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डॉटेड नजर आएगा, ठीक है। जब डॉटेड नजर आएगा तो अभी हम देखिए क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ प्रोजेक्ट करना होगा, अभी हम प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अब ये तो आपको सामने से जो दिखने वाला था वो हमने बना दिया, लेकिन अब देखो ध्यान से ऊपर ऐसे जब देखेंगे तो इस कॉर्नर से यहाँ से आपको पूरा वहां तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 25 एमएम अंदर आया हुआ है, कितनी 25 एमएम अंदर आया हुआ है। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ से तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ से हमको प्रोजेक्ट करना होगा लाइनें। तो यहाँ से हम सारी लाइनों को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे जो हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट कर दिया, इसे भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, इसे भी क्या कर दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, और इसे भी हम क्या कर दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया। उसके बाद इन सभी लाइनों को ध्यान दीजिए, इस लाइन से यहाँ मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे इसके पास में, राइट। तो ये हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, देखिए 12 वाली हमने डॉटेड बनाई है तो इसके सामने आएगी, तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट करना होगा, यहाँ पे आप इसको प्रोजेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसे डॉटेड वाले गिरेगा। अब ये वाली लाइन देखिए ध्यान से, ये है हमारा यहाँ पे, तो ये कहाँ जाएगा 25 एमएम का, यानी कि 25 एमएम इधर का है, तो ये 25 एमएम अंदर आएंगे, तो 25 एमएम इधर आके अंदर यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद इस लाइन को हम प्रोजेक्ट कर देंगे, तो ये वाली लाइन कहाँ आएगी, ध्यान रखिए ये वाली लाइन आपकी डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट होगी। तो ये हमने इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, ठीक। इस वाली लाइन को कहाँ प्रोजेक्ट करना होगा,
इस लाइन को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना होगा इस जगह पे, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद इस लाइन को हमें इस पे ला करके प्रोजेक्ट करना है। तो इस लाइन को कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे ला कर प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे मिलेगा। अब ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है, ये है आपका 30 mm, ये कितना है 30 mm। तो हम 30 mm अंदर आ जाएंगे, कितना 30 mm, यहाँ 25 का जो है 30 mm अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से 30 mm यहाँ से यहाँ तक अंदर आ जाएंगे, तो 30 mm यहाँ से यहाँ तक अंदर आएंगे ये, क्योंकि यही 30 mm का है, तो 30 mm यहाँ से यहाँ तक अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 30 mm की लंबाई है, तो ये 30 mm का टिक, यह 25 का टिक लगा है, तो यहाँ पे 30 वाली जो लाइन यहाँ प्रोजेक्ट होगी तो वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक ये, तो ये वाली लाइन आपको देखने मिलेगी। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखिए, ये ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होगी 30 mm की पूरी जाएगी यहाँ से, ये तो एक हो जाएगी, लेकिन ये 30 mm की लाइन कहाँ जाएगी, इसी पे आ जाएगी। तो ये 30 mm हमने ये नीचे गिरा दिया, ये देखिए। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे आ जाएगा। साइड वो में क्या होगा, इधर ही लेफ्ट साइड में ऐसे लाएंगे, तो साइड वो कैसे लाया गया जरा ध्यान दीजिए, कैसे हमने साइड वो को लाया है। तो ये आपका प्रोजेक्ट रखा हुआ है, और ला करके आप ऐसे रखेंगे, तो ये हिस्सा आपका दिख रहा है, तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा, ये हिस्सा यहाँ पे आकर दिखेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने ये साइड व्यू बना लिया है, लेकिन कुछ लाइनें अभी प्रोजेक्ट करना बाकी रह गया है, उसे हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये वाली लाइन आपकी प्रोजेक्ट होगी यहाँ से, ठीक है। ये वाली लाइन आपको डिस्टेंस यहाँ से प्रोजेक्ट होगी, और ये डॉटेड वाली जो लाइन डिस्टेंस है ये प्रोजेक्ट होगी, ठीक है। तो ये साइड व्यू क्या होगा, ये साइड व्यू में ऐसे करके प्रोजेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये इसमें की है, तो यहाँ लाइन प्रोजेक्ट हो गई। तो ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रोजेक्ट हुआ है, ये पूरा डिस्टेंस। तो ये मैं एरो लगा दे रहा हूँ, आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है। और इधर से ये वाली जो डिस्टेंस इधर से प्रोजेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये वाली लाइन यहाँ इधर से प्रोजेक्ट हुआ है, यानी हाँ, तो ये हो गया आपका साइड व्यू। ये क्या हो जाएगा आपका साइड व्यू। तो ये हमने बना दिया एस वी, यानी कि साइड व्यू। तो ये हो गया आपका साइड व्यू, और ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, और ये वाला आपका हो गया टॉप व्यू। तो फाइनली ये आपका हो गया साइड व्यू। में देख सकते हैं कि आपको ये डॉटेड दिखेगा यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा आपका सब क्या होगा, एक हो जाएगा, और ये 30 तक ऊपर जाएगा। बस ये आपका साइड व्यू हो गया, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके नीचे हमसे पूछ सकते हैं। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।